नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर सीखो हिंदी में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, आपके घर में अगर कोई फैन लगा है, चाहे वो सीलिंग फैन हो, चाहे एग्जॉस्ट फैन हो, चाहे आपका कूलर हो, तो सही से चल नहीं रहा है और बहुत ही स्लो वर्क कर रहा है। आपने रेगुलेटर से उसकी फैन की स्पीड भी बढ़ा देते हो जैसे कि, तो भी आपका जो है प्रॉपर तरीके से स्पीड नहीं देता, तो क्या रीजन होता है और वो क्यों धीरे चलता है, तो आज इसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो मेन वजह होती है वो होती है कैपेसिटर। इसको दोस्तों हम कंडेंसर भी बोलते हैं। देखिए वो इस तरीके से होता है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जो फैन हमारा जो स्लो होता है उसकी मेन वजह जो होती है यही होती है कि आपका कैपेसिटर खराब हो जाता है। इसको दोस्तों हम कंडेंसर भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी आपको पहचान अगर नहीं है तो आपको अपने फैन में से इसको निकालना है और शॉप पे जाना है और दूसरा सेम वैल्यू का कैपेसिटर ले लेना है और अपने फैन में एक्सचेंज कर देना है। अगर दोस्तों आपको एक्सचेंज नहीं करना आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, उसका लिंक दे रखा है, तो उस पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। उसमें आपको जो है नॉलेज मिल जाएगी कि आपको कैसे आपको अपने कैपेसिटर को चेंज करना है, कूलर का या फैन का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।